हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू भाई केडी व्लॉग्स। भाई आपका भाई आज आ रखा भाई साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। ये भाई SFU जो सारा एरिया आपको दिख रहा है पीछे, भाई SFU साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। भाई एक कमेंट आई थी कि भाई एक प्रॉपर व्यू हमारे उसके बारे में बता दो कि भाई SFU एक प्रॉपर जाने की यूनिवर्सिटी है या नहीं है, एक जेन्युइन रिव्यू देना। तो भाई उसी के ऊपर बता रहा हूँ, उसी के ऊपर एक वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ। जितने भी कमेंट्स है भाई, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो भाई प्लीज़ जाके कमेंट कर दो। एंड हाँ, 110% आपको कमेंट पे भाई रिप्लाई मिला। थोड़ा सा लेट हो सकता है बिकॉज भाई साथ में पढ़ाई कर रहा, भाई दो दो जॉब्स करता हूँ। अगर आप मेरे को शुरुआत से देखते आ रहे हो तो ये सब उसी की वजह से है। बाकी हाँ, आज टाइम मिला है, बीच अभी अभी क्लास ख़त्म हुई है मेरी। भाई मैं अभी हूँ FIC में। आपको एक बार एरिया का डिवीज़न समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा जो बच्चे FIC में वो इधर कहाँ पे पढ़ते हैं और SFU वाले किधर है। ये देख लो आप, तो आपको बोर्ड भी दिख रहा है, फ्रेजर इंटरनेशनल कॉलेज FIC Discovery 1 Discovery 2। वो सब है यहाँ से उधर उधर उस साइड जो आपको रास्ता दिख रहा है ऐसे नीचे, वो प्रॉपर जंगलों की साइड, ठीक है। और भाई ये है अपना SFU वाला पार्ट, ये और हॉल है, फिर आगे जाके भाई ब्लूसन हॉल है जहाँ पे मैं आगे जाके अब ट्रांसफ़र होने वाली, मेरा थर्ड सेमेस्टर है। लाइक नेक्स्ट सेमेस्टर मैं SFU में ट्रांसफ़र हो जाऊँगा ऐसे। और अलग अलग बिल्डिंग्स है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है पूरे SFU में, और उनमें से एक अपनी FIC है और एक FIC ये भी है भाई, ये सामने दिख रहा है। मतलब अलग अलग बिल्डिंग्स है FIC की, पर हाँ आप यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मेन सारे उधर ही है। वो जो Discovery 1 है ना, सारे Discovery 1 में है, ठीक है। और लेकिन ये सारा SFU का ही पार्ट है भाई, पार्किंग वगैरह सब कुछ SFU की है, सारा प्राइवेट सिस्टम है, ठीक है। और हाँ, वैसे मत समझो कि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दिस इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सबसे पहले। बट हाँ, ये जो सारी पार्किंग है ना, ये ओन्ड है किसी के द्वारा, तो यहाँ पे जैसे आप गाड़ियाँ खड़ी करते हो, पे नहीं करते हो, तो जो गवर्नमेंट वाले होते हैं भाई वो टो करके लेके जाते हैं। यहाँ पे आप पे नहीं करोगे ना तो आपको वो मिलेगा, टिकट मिलती रहेगी 3 बार। अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको गवर्नमेंट वाले तो टो करेंगे, बट यहाँ पे आपको ये अलाउड नहीं होता कि टो कर ले, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, मे बी टीचर जो भी हो, बट हाँ दे आर नॉट अलाउड टू टो योर व्हीकल, आपकी पेनल्टी बढ़ती जाएगी उस, दैट्स ऑल। तो ये फ़ायदा भी है और कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बाकी भाई FIC स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये पड़ता है कि आपको वहाँ पर बस मिलती है बिल्कुल आगे, और एक बस वाली यहाँ पर भी आती है, ये वहाँ से भी आप का पास में पड़ता है। बट अगर आप कहीं से भी आ रहे हो ना, लास्ट स्टॉप वो है, फिर उसके बाद कोई बस अगर चल रही है तो आपको लाइक भाग के पकड़नी पड़ती है, और उसके बाद आपका दूसरा स्टॉप ये पड़ता है। पहला स्टॉप उधर आता है, वो स्टूडेंट्स का घर है उधर एक, और दूसरी साइड उधर उधर भी टावर्स बने हुए हैं डाइनिंग हॉल के पास में। बहुत बड़ा SFU है, ठीक है। तो घूमने वाला रिव्यू तो बहुत पहले से दे रखा है, पूरा यूनिवर्सिटी घुमाया मैंने आपको, पूरा SFU का टूर दिया है। आज एक बेसिकली एक रिव्यू दिखा रहा हूँ, रिव्यू बता रहा हूँ आपको भाई SFU जेन्युइन यूनिवर्सिटी है या नहीं। तो भाई अब हम आ गए थोड़ा सा छाया में, इसी रोड से चलते चलते इधर बेंच है, बेंच पे बैठ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और बढ़िया तरह बात हो जाएगी भाई, बैग वैग उतार लेते सारा सिस्टम, कि क्यों भाई लगातार घूमना आदमी थकता है भाई, पहाड़ है भाई, पहाड़ से ऊपर नीचे के चक्कर में है, इस वे अपना बैठ जाओ, बैठ के काम वाम करो, ठीक है। तो देखो एक ऑनेस्ट रिव्यू क्या होता है कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरे को पता है यहाँ के एक एक कोने का पता है, मेरे को पता है यहाँ पे कहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पे पढ़ाई होती है नहीं। मैं उसी ऑनेस्ट रिव्यू के हिसाब से आप लोगों को बताता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। देखो वैनकूवर में नंबर 2 पे आती है यूनिवर्सिटी, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, आप गूगल भी कर सकते हो। नंबर 1 पे आते भाई UBC जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, 2nd पे भाई SFU आती है साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। तो भाई इसका इसकी जो हवा है, इसका जो नाम है भाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दांत हो गए येल्लो क्योंकि भाई हल्दी का दूध पिया था, ठीक है। तो हाँ ये बातें छोड़ो साइड में, तो भाई बहुत ज़्यादा नाम है इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और भाई इतना ही इसका पढ़ाई है, ठीक है। ऐसी बात नहीं बोल ऐसे नहीं बोलूँ कि भाई टफ है या समथिंग लाइक दैट, लेकिन हाँ एक चीज़ सच है, भाई पढ़ाई है तो भाई पढ़ाई है, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ना पड़ेगा, जॉब कर रहे हो साइड बाई साइड तो उसे साइड बाय साइड ही रखना, ठीक है। अब यू है आप जॉब भाई फुल टाइम भी करते, भाई मैं कर रहा हूँ फुल टाइम से भी ज़्यादा कर रहा हूँ,
बट आप अपनी पढ़ाई को भी कहीं ना कहीं आपको घुसाना पड़ेगा अपने डेली स्केड्यूल में, तो भाई लटकते रहोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। जितने आप कमाओगे उतने आप गवाओगे यहाँ पे, लाइक वही बात है, आप मेहनत कर रहे हो और फिर आप यहाँ पे फ्री में दे रहे हो भाई कि ले लो जितने मैंने कमाया आप ले लो और मेरा नेक्स्ट ईयर का और आगे का पढ़ाई का सिस्टम सेट, ठीक है। लाइक आप अपनी फीस भर रहे हो, लाइक एक सब्जेक्ट यहाँ पे भाई $3,314 का मेरा FIC में पड़ता है एक सब्जेक्ट, ठीक है। और बायो जो है वो तो भाई $4,000 की है, $4,314 की, यानी क्रेडिट वाइज है, ठीक है। तीन क्रेडिट का सब्जेक्ट होता है वो $3,314 का है, और बायो आती है चार क्रेडिट में तो वो चार का $4,314 हो जाता है, तो पर क्रेडिट हो जाता है वो 1,000 का, और भाई 314 समथिंग टैक्स जोड़ते क्या जोड़ते ये पता ही नहीं भाई, ठीक है। तो हर बार इतना पड़ता है भाई, तो एक सब्जेक्ट इतना, और मिनिमम एक साल एक महीने तीन महीने का कोर्स जो होता है उसमें आपको मिनिमम तीन लेने पड़ते हैं, तो मिनिमम तीन है और मैक्सिमम तो भाई पाँच ले सकते हो आप, और वैसे यूजुअली लोग तीन चार लेते हैं, पाँच को बहुत कम लेते हैं क्योंकि भाई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और फिर आपको जॉब वॉब भी करनी है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जॉब आदमी इतनी कर सकता कि भाई अपना नॉर्मल बता रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, बिना ज़्यादा मेहनत करे, पढ़ाई करे, अच्छे नंबर लेके आए, A-A+ उस हिसाब से आप अपना वही 20-22 घंटे 25 घंटे कर सकते हो, उसमें आपको इतना खाने पीने का लाइक मौज मस्ती से खाने पीने का जावे बराबर, उसका किराया बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। जॉब इतनी भी टफ नहीं है, पहली जॉब मिलनी टफ है, झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम इन द सेंस का मतलब है मेरा कि पहली एक बार क्योंकि आपका भाई कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उस टाइम पे एक बार इशू आता है, उसके बाद पहली जॉब मिलते ही फिर आपकी आगे जाके सारा सिस्टम सेट है, मिलती रहेगी क्योंकि आपका पुराना एक्सपीरियंस हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको और जॉब मिलती रहेगी ऐसे होता है ये, ठीक है। तो भाई जॉब का तो एक बार साइड में रख लेते हैं, ऑनेस्टली भी बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं SFU के बारे में कि भाई पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, फैसिलिटीज़ भाई इतनी ज़्यादा है कि आपको क्या ही बताऊँ भाई। अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए तो पूरी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, SUB सब नाम है उसका, स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग भाई, उसमें सिर्फ लाइक बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने सारे, मैंने बहुत व्लॉग्स में भी दिखाया अपने, अलग अलग फ्लोर्स हैं, लाइक क्वाइट रूम्स हैं, लाइब्रेरी भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लाइक 6-7 फ्लोर की तो लाइब्रेरी है, उस सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे शायद 9th फ्लोर है वो, याद नहीं मेरे को कौन सा फ्लोर है, हाँ शायद 9th फ्लोर है या 7th फ्लोर है, वो सबसे टॉप फ्लोर है वो, वहाँ पे बिल्कुल लाइक क्राइटेरियाज बना रखे, सबसे ऊपर बिल्कुल शांत, उसने जो थोड़ा सा अशांत ऐसे कर रखा है, सबसे नीचे अपना ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे आप लाइक ग्रुप डिस्कस करते हो, तो मेन लाइब्रेरी की एंट्री SFU में 3rd फ्लोर से, तो वो थोड़ा मीडियम सा हो गया, ऊपर ऐसे बढ़ते जाओगे आप लेवल्स तो यानी शांत एरिया, नीचे जाते जाओगे तो थोड़ी आवाज़ आती रहेगी क्योंकि सबसे नीचे आता है ग्रुप डिस्कशन का, तो आपको रूम मिलता है वहाँ पे आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो भले ही बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, इतना बढ़िया सुंदर कैंपस है भाई, जंगलों में है, झूठ नहीं बोला जंगल है भाई, पूरे बेयर मिलते हैं, लाइक अलग अलग जानवर आते हैं, डरने की बात नहीं भाई, आपको हर जगह एक ब्लू कलर का ऐसा तंबू सा खड़ा मिलेगा कि इमरजेंसी हो तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन हाँ वो सीन इतना प्रॉब्लम नहीं है, मेन कैंपस में नहीं आते हैं यार ऐसे, कभी मुश्किल से कोई देख ला तो देख ला, मैंने भी आज तक एक बियर का छोटा बच्चा देखा है, बियर का, और वो देखे भाई हिरन देखे हैं भाई जो, और रकून देखा है, ठीक है। रकून तो भाई बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब ऐसे ही आप साइड में आके बैठ जाए, कोई इशू नहीं है, डरने वाली बातें नहीं ये, ठीक है। और ऐसे भी नहीं आता कि भाई बिल्कुल यहाँ पे साइड में, इतना भी सीरियस मत लो मेरी बात को, रात के टाइम पे आते हैं, कभी आप सुबह जल्दी आओगे, कभी रात को जल्दी पूरी ज़्यादा लेट नाइट आओगे ना तब आपको जानवर दिखते हैं, नॉर्मली नहीं दिखते हैं, हिरन कभी कभी शाम को दिखता है ऐसे, कभी रोड क्रॉस कर रहा है तो, और वो भी उधर दिखा था मेरे को, एक बार दिखा है मेरे को, रकून तो भाई दिखते रहते हैं, पर ये जानवर ऐसे हार्म नहीं करते हैं, देखो बेयर है खतरनाक, वो हार्म कर सकता है, और वो भाई मुश्किल से कभी दिखता है और यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसे आपको डाइनिंग हॉल वाली साइड जहाँ पे मैं काम करता हूँ, इधर बेसिक जहाँ पढ़ाई कर रहे हो भाई, वो तो इतना बड़ा स्टूडेंट लाइक हब है, उधर तो जगह भी नहीं है कहीं पे आने की, तो उधर तो कोई आ भी नहीं रहा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, अभी किसी के बच्चे देख रहे हो बोले भाई हम नहीं भेज रहे, ऐसा कोई इशू नहीं है भाई। और FIC का जो है भाई, बहुत लोग कहते हैं स्कैम है वो है, उसके बारे में भी एक अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं, मे बी अब इसको बंद करके दोबारा वीडियो बनाऊँ मैं रिलेटेड टू FIC की, इज़ FIC अ स्कैम और नॉट, तो वो आप वीडियो देखना ज़रूर, अगर आपको SFU में FIC में ट्रांसफ़र मिल रहा है पहले और फिर SFU में जा रहे हो,
ठीक है। और बाकी भाई SFP में बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो अगर आपको अप्लाई करना है, आप फॉर श्योर आओ। ठीक है भाई, ऐसी बात नहीं है मेरे को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, वैनकूवर BC में नंबर 2 पे यूनिवर्सिटी है, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, मेरे को UBC से भी सुंदर लगती है, क्योंकि भाई UBC की जो लोकेशन है ना भाई वो बेकार है। ठीक है, बाकी UBC सुंदर है, मैं बहुत बार जा रखा, वो है बिल्कुल कॉर्नर में, एक अलग देश में भाई, पूरा वैनकूवर क्रॉस करके एक अलग जगह कोने में बैठी है भाई। आपको कई बाहर भी जाना पड़ेगा ना, कई घंटों का ट्रैवल है, यहाँ पे कम से कम यू है, आप कहीं पे बीच में ही हो भाई, बर्नबी है यहाँ पे, सरी पास में, वैनकूवर पास में, सारी चीज़ें लाइक पास में ही है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन दिक्कत उसी चीज़ की आती है जो नंबर 1 और भाई UBC में चाइनीज़ बहुत सारे भाई, चाइनीज़ तो भाई सारे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में होती है, यहाँ पर देख लो भाई, दिख रहा है कहाँ गए ये रे भाई, सारे भाई। तो SFU में भी, इधर भी इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, पर हाँ ऐसी भी नहीं कि आप सोच रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, उतनी भी कम नहीं है, बट हाँ कम है, लाइक समवट अराउंड कुछ परसेंट है, बट हाँ है तो है भाई, और वो कुछ परसेंट ही भाई ला देते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अभी आए इंडियंस बहुत सारे, तो पहले भाई मुश्किल से 10-12 थे, अब की बार इंडियंस भर के आए हैं, जो मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा था, हमारे FIC में, SFU में बहुत इंडियंस आ गए, अब तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, उनका पता नहीं सितंबर लाइक एक साल हो गया मेरे को यहाँ पे, ठीक है, एक साल में अब दिखे मेरे को इंडियंस, अब तो दिखते रहते हैं, अब शायद से इंडियंस को थोड़ी सी जागरूकता हुई कि भाई यहाँ पे आना चाहिए, हमें 2 साल का कोर्स करने की जगह 4 साल की डिग्री कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है भाई, जितना आप स्पेंड कर रहे हो यहाँ पे भाई उतनी कमाई भी है यहाँ पे, क्योंकि भाई नाम है, उसके बाद जॉब भी ऐसी मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, तो भाई बैठे बैठे एक जॉब है। बाकी आप 2 डिग्री का कोर्स कर रहे हो, PR लेने की सोच रहे हो, PR के बाद आप करोगे क्या, मेन टॉपिक तो ये आता है ना भाई, PR तो हो जाती है, PR का कोई इतना बड़ा सीन है भाई, लोग मूव आउट कर लेते हैं, मूव इन करते हैं, प्रोविंस बदल लेते हैं, PR हो जाते हैं, जुगाड़ कुछ भी करके हो जाती है। PR इज जस्ट थिंक कि आपका स्टेटस क्या है कनाडा में, उसके बाद भाई आप जो जॉब करोगे, पैसे कमाओगे, वो कहाँ से लाओगे। तो उस चक्कर में यू हैव टू एक बार भाई थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है, झूठ नहीं बोला, फीस है भाई बहुत ज़्यादा महंगी, लाइक देख रहे हो आप 3,000 का एक कोर्स है, तो समर अराउंड 10-11-12 हज़ार के अराउंड आपका 3 महीने का खर्चा है यहाँ पे। ठीक है, जितनी आपकी नॉर्मल एक साल की फ़ीस होती है एसोसिएट डिग्री में, उतने आप 3 महीने में यहाँ पे लगा देते हो, झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है, दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल थिंग। तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़े से पैसे ज़्यादा चाहिए, बट हाँ उसके बाद भाई कमाई भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो बाकी एक नॉर्मल बजट, अगर अपने जैसा भाई कोई नॉर्मल इंडियन बंदा आ रहा है जिसका ज़्यादा बजट नहीं है, उसको तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको एसोसिएट डिग्री ही करनी पड़ेगी, तो SFU वो नहीं कराता है। ठीक है, तो 2 साल का कोई कोर्स नहीं है यहाँ पे, तो आपको कोई नॉर्मल ही कोर्स लेना पड़ेगा। बाकी जो 4 साल वाले बंदे भाई वो बिल्कुल वेलकम है, और उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, बाकी आज के व्लॉग में भाई इतना ही, तो थैंक यू सो मच, अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई होगी, तो एक बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू था भाई SFU साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड भाई अगले सेमेस्टर में SFU वाले वेट करते रहो, आई एम कमिंग, टाटा।